हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते अच्छे ही होंगे। तो नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो ये मेरी देवरानी के घर का वीडियो है कन्या पूजन का। तो सभी कन्याएं बड़ी मुश्किल से मिली हमको, तो देखो कन्याएं आई हैं और आशीर्वाद भी दे रही हैं और सभी कन्याएं काफ़ी खुश थी। बच्चे खाते कहाँ हैं? बच्चे तो बस थोड़ा सा हमने बोला आप लोग ना आए हो तो मुझे उठा करके जाना। और मैंने माता रानी के भजन भी चलाए हुए थे, पर ना कॉपीराइट का भी तो है ना, तो इसलिए मैंने ना गाने बंद कर दिए। तो बच्चों को ना काफ़ी जल्दबाजी हो रही थी, बच्चे लोग बोले हमें कहीं और जाना। मैंने बोला चलो थोड़े से जयकारा लगाते हैं, तो वो आवाज़ ना मैंने म्यूट कर दी। मैंने बोला चलो कोई नहीं, थोड़ा सा मैं अपनी आवाज़ डाल दूँगी वीडियो में। तो कंचिका लोगों बोल रही थी कि आंटी जल्दी करो, हमें ना और जगह भी जाना है। तो और कुछ लोग तो वेट कर रहे थे घर पे खड़े के नीचे कि अभी सभी लोगों को भेज दो, हमें भी कंचिका पूजन करनी है। हमने बोला चलो ठीक है जल्दी जल्दी करते हैं। तो फटाफट से कन्याओं का ये पूजन किया, इनका भोग प्रसाद बनाया, पहले से थोड़ी तैयारी कर रखी थी। फिर देवर जी ने इनको कलावा लावा और टीका वगैरह बांधा। और कुछ कन्याएं तो बड़ी छोटी छोटी सी आ रखी थी ना, उन कन्याओं को गोद में ही बैठाना पड़ा। तो काफ़ी सुंदर सुंदर, वैसे कहा जाता है कि ना कि बिल्कुल छोटी छोटी कन्याएं हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा, पर कन्या तो कन्या ही होती है ना। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सब देख के। और देखो गला भी बैठा हुआ है क्योंकि 9 दिन तक नवरात्र ही चल रहे थे ना, तो इसलिए थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। और आपको कैसा लगा, आप सब ने कैसे किया कन्या पूजन, प्लीज़ आप सब लोग भी बताएं। और सभी की कुशल मंगल रहने की कामना करते हैं, यही हम सभी के लिए दुआ करते हैं। और ये रहा मेरे देवर जी के घर का मंदिर, तो मैंने बोला चलो उसकी भी ले लूँ। तो अंधेरा सा हो रखा था ना, तो इसलिए क्लियर नहीं आई। मैंने बोला कोई नहीं, तो देवर जी चुन्नी लगा रहे थे, सभी कंचिकाओं को दे रहे थे। मैंने बोला चलो ठीक है, ये यादगार रह जाती है ना, कल को हम देखेंगे हमारे बच्चे जो कंचिका में बैठी है वो कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। और चुन्नियाँ सभी को मिल रही थी, शायद एक दो चुन्नियाँ कम हो गई थी क्योंकि 9-10 चुन्नियाँ मंगाई थी ना, तो कन्याएं ज़्यादा आ गई थी। और ये चल रहा है टीका वगैरह, वीडियो ना आगे पीछे हो गई। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, चलने दो जैसा भी है। तो देवर जी तो मना कर रहे थे, मैंने बोला कोई बात नहीं, ये हमारी यादगार भी तो है ना एक, तो हम बना लेते हैं वीडियो। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और आप वीडियो का एंड भी करते हैं क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी ना। और आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? तो देवर जी चरण भी धुला रहे हैं सभी कन्याओं के। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, आप ये मत सोचना कि वीडियो आगे पीछे हो गई, कोई बात नहीं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया।